हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डीसी टू डीसी आईसी के बारे में, या जो कि गाइस जो पैनल होता है उसके नीचे जो टीकॉन बोर्ड लगा रहता है उसके ऊपर ये डीसी टू और डीसी आईसी लगा रहता है। तो बेसिकली मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करते हैं, कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है, और या अगर ये ख़राब हो जाए तो किस तरह की हमें पैनल में प्रॉब्लम दिखता है। और गाइस, उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि नो पिक्चर प्रॉब्लम, स्लो मोशन पिक्चर, और यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव पिक्चर, व्हाइट डिस्प्ले, डबल इमेज, तो इस तरह की अगर आपके टीवी में प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सारे चीज़ आपको बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो नया हो मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो इस वीडियो को नीचे कुछ आपको इस तरह के बटन मिल जाएंगे रेड कलर की जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद गाइस, उसके पास में ही आपको घंटी का बेल आइकॉन दिखेगा, उसको भी आप दबा दीजिएगा गाइस, क्योंकि गाइस मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो गाइस, ये जो मैं आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10 मिनट के आसपास हो जाएंगे वीडियो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा से आप मतलब मिस्टेक कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो बाद में आप कमेंट में बताओगे कि हमें समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए, मैं सबसे आगे मेरे दो दाहिने साइड में आप देख सकते हो कि मैं एक फ़ोटो खींच के रखा हूँ डिश टिकॉन पैनल का, टिकॉन बोर्ड का, और उसके ऊपर लगा है डीसी टू डीसी आईसी। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है, एलवीडीएस कनेक्टर के जरिए हमें डीसी टू डीसी आईसी में पैनल के हिसाब से वोल्टेज आते हैं। अगर मान लीजिए गाइस पैनल 3.3 वोल्ट का हो, तो हमें पैनल में जो इनपुट है वहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेंगे। एक यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज के दोनों पास आपको 3.3 वोल्ट मिलेंगे। आप अगर आपके जो पैनल है टीवी का वो अगर 5 वोल्ट का हुआ तो 5 वोल्ट मिलेंगे, और 12 वोल्ट का हुआ तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा। और गाइस, डीसी टू डीसी आईसी से जो मेन वोल्टेज आउटपुट होती है वो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वीजीएच वोल्टेज, यानी कि जो 5 तारीख की वोल्टेज गाइस मेन वोल्टेज होता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीजीएच, वीजीएल, वीडीडी, एवीडीडी एंड वीकॉम, और किसी किसी टीवी में गाइस जो सोनी होता है, सोनी टीवी में ज़्यादातर रहता है सी के बी ऑन, सी के बी टू, सी के बी वी बी ऑन, सी के बी वी बी टू, इस तरह की गाइस आपको ये 4 तरह की वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको सोनी टीवी में देखने को मिलेगी और किसी भी टीवी के आपको नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पैनल में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका यानी कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो आपको ढूंढना है, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे पैनल के ऊपर लिखा रहता है वीजीएच वहाँ पे आपको 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। सबसे पहले आपको इसको मेजर करना पड़ेगा मल्टीमीटर के ज़रिए। उसके बाद गाइस, यहाँ पे अगर जहाँ पे लिखा है वीजीएल, गाइस वीजीएल के जगह वी ऑफ भी लिखा सकता है, वी जी ऑफ भी लिखा रह सकता है, और वी ई जी भी, इन सारे चीज़ भी आप लिखा सकते हो गाइस। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो चाहे तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हो गाइस वीजीएल के जगह गाइस। और एक बार आपको बता देता हूँ कि वीजीएल के जगह वी ऑफ, वी जी ऑफ, वी ई जी भी, इन तरह की चीज़ों आपको मिल सकता है पैनल के अंदर गाइस। कई कंपनियाँ होती है तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग चीज़ लिखा रहता है। तो मैं यहाँ पे साइड में गाइस, मैं जब एडिटिंग करूँगा तब यहाँ पे मैं लगा दूँगा, तो अभी मैंने जब ड्रॉ किया था ये तब लिखना भूल गया था। और गाइस, ये जो वोल्टेज है -5 वोल्ट से लेके -8 वोल्ट तक आना चाहिए। अगर गाइस इसमें कम या ज़्यादा हो तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम होगी, कि यहाँ पर जो आपको स्लो मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी पैनल के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं गाइस वीडीडी। तो अगर आपको वीडीडी नहीं दिखे, अगर आपको डीवीडीडी मिले गाइस, यहाँ पे वीडीडी के जगह आपको डीवीडीडी, वीजी, वीएल, ओ जी भी मिल सकते हैं आपको, इस तरह के वोल्टेज आपको मिल सकते हैं। तो गाइस, आपको मैं क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आएंगे जो लोग पहली बार सुन रहा हो, तो मैं जब एडिटिंग करूँगा गाइस यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ताकि आप लोगों जानने में आसानी हो जाए। तो उसके बाद गाइस आते हैं ए वी डी डी। तो ये जो गाइस वोल्टेज है आपको 12 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक मिलना चाहिए, और क्यों
और लास्ट में आता है गाइस ये जो भी कॉन। तो भी कॉम गाइस 3.3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आपको मिलना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा मिले तो आप मान लीजिए कि पैनल का दिक्कत हो सकती है, तो आपको इन सारे चीज़ों को मेजर कर लेना है। और गाइस ये जो वोल्टेज हमें मिल रहा है तो इसका कोई काम नहीं होता है गाइस, अगर आपके पैनल में डबल इमेज आते हैं। आप देख सकते हो डबल इमेज मतलब गाइस ऊपर भी एक इमेज आ रहा है, नीचे भी एक इमेज आ रहा है, तो डबल डबल इमेज आ रहा है। तब क्या करता है ये जो गाइस सी के भी ऑन है, टू है, बी ऑन है, बी टू है, तो इसको हम कट कर देते हैं। यानी कोई भी एक नाइफ लेके यानी कि कटर लेके हम जो इसका कनेक्शन होता है इस तरह से हमें कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं ताकि वो स्लो मोशन पिक्चर ठीक हो जाता है, यानी कि डबल इमेज वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाता है गाइस। और गाइस आप बारी आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो आई थिंक आपको जो पैनल का जो अंदर डीसी टू डीसी आईसी रहता है तो उसका आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से काम करते हैं। तो और एक बार आपको बता देता हूँ ये जो सारे वोल्टेज है गाइस, जैसे कि आपको बहुत सारे चीज़ आपको पैनल में देखने को मिलेगी। तो आप बारी आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो गाइस अगर आपके पैनल में यानी कि टीवी में नो पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना है कि टीवी ऑन है या नहीं। अगर गाइस ऑन है और एलईडी भी जल रहा है नीचे, और तो आपको क्या करना होगा, पीछे जो बैक लाइट होता है गाइस आपको उसको चेक करना है। तो अगर बैक लाइट मिल जाए ख़राब तो आपको बैक लाइट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो नो पिक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो अब बढ़िया देखिए स्लो पिक्चर। तो जैसे कि मैं आपको बताया स्लो पिक्चर का जो प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादातर गाइस VGL वोल्टेज की कमी के वजह से होती है, जो आपको मैंने बोला था जो माइनस वाला वोल्टेज है ये वाला। तो ये जो वोल्टेज है गाइस तो आपको यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिलने पर स्लो मोशन की पिक्चर आएगी आपको पैनल में। उसके बाद गाइस 3 नंबर पे आते हैं नेगेटिव पिक्चर, यानी कि गाइस उल्टा अपसाइड डाउन जिसको बोलते हैं, यानी कि नीचे जो आना चाहिए तो वो ऊपर आ रहा है, ऊपर जो होना चाहिए तो वो नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पिक्चर और अपसाइड डाउन पिक्चर। तो ये गाइस किस लिए होता है ये भी आपको बता देता हूँ गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे DVDD, ABDD गाइस लिख दिया है मैंने, और कोई बात नहीं गाइस ABDD भी होता है। और यहाँ पे जो DVDD लिखा हुआ गाइस यहाँ पे ABDD या DVDD, तो इस वोल्टेज की हमें मिसिंग होने पर हमें नेगेटिव पिक्चर की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ये नेगेटिव पिक्चर का प्रॉब्लम आएगा इस कोई सी भी टीवी में, तो आपको सबसे पहले ABDD वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज नहीं मिले तो आपको कहीं से भी आपको उठा के यहाँ पे 12 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट के बीच में आपको वोल्टेज यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे एक मॉड्यूलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मॉड्यूलर की सारे पिक्चर मैंने दे रखी है, जितने सारे मॉड्यूलर हम यूज़ करते हैं LCD रिपेयरिंग के लिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हो जाके मैंने 3 पार्ट डाल के रखा हूँ, हर पार्ट में 30 30 यानी कि 30 पीस मॉड्यूलर की मैंने पिक्चर दिया हूँ और उसके कोड नंबर के साथ भी। तो आप बढ़ी आते हैं गाइस यहाँ पे जो चौथे नंबर ऑप्शन जो है व्हाइट डिस्प्ले। तो गाइस व्हाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम आती है गाइस हमें जब पैनल में ग्राफिक्स नहीं बनती है, तब हमें व्हाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। यानी व्हाइट डिस्प्ले मतलब गाइस हमें पिक्चर ग्राफिक्स नहीं बनता है और पीछे का जो बैक लाइट होता है वो ऑलवेज गाइस ऑन जलता रहता है, जिसकी वजह से हमें पिक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको सभी जो पैनल के अंदर जाते हैं LVDS कनेक्शन का सभी वोल्टेज आपको चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको बताया था इन सारे वोल्टेज को आपको चेक करने पड़ेंगे, VGH VGL इन सारे वोल्टेज को आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर गैस तब भी आपका प्रॉब्लम सही है मतलब गैस ये सारे वोल्टेज सही है और तब भी पिक्चर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है गैस कि पैनल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा यानी कि चेंज करना पड़ेगा। और गैस सबसे लास्ट में आता है गैस डबल इमेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल इमेज के वजह से हमें जो ये सी के बी ऑन, सी के बी टू और सी के बी बी ऑन, सी के बी बी टू, तो ये जो वोल्टेज है डबल इमेज की प्रॉब्लम आए तो हमें इसको कट कर देते हैं और डबल इमेज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है।
सो गाइस ये था आज की वीडियो में मूल टॉपिक। तो इसके अलावा आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ा मैं वीडियो की हट के बताऊँगा, क्योंकि गाइस जो लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, गाइस सब्सक्राइब की छोड़ो गाइस लाइक भी नहीं करता है बहुत लोगों ने, मैंने इसे देखा। तो गाइस आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और अच्छा नहीं लगा तो गाइस आप कमेंट में बता सकते हो कि हमें इस तरह की वीडियो नहीं चाहिए, कुछ उस अलग तरीके का चाहिए वीडियो। क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ जो लोग स्ट्रगल करता है बहुत पढ़ा लिखा करके भी, कोई भी अच्छा सा सेटिस्फेक्शन जॉब नहीं मिलता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो उन लोगों ने जो लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ाई किए हो और थोड़ा सा भी इस तरह की नॉलेज रखते हो, तो उनको लिए बहुत ही गाइस हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपको पैसा देने पड़ेंगे। तो मैं आपको फ्री में ये सब बता रहा हूँ, कोई भी नहीं आपको बताऊँगा बताएगा गाइस। तो आप मेरे चैनल के अलावा अब दूसरे चैनल पे, किसी भी चैनल पे आके जाके देख सकते हो कि इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। तो वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो, मेरे इंस्टीट्यूट पर आओ। और गाइस मेरे को जितने सारे मैसेजेस आता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो फेसबुक पे हो, मैं हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ गाइस। चाहे मैं बाहर रहूँ चाहे मैं जॉब कम करूँ, तो कम होने के बाद मैं रात को भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बता सकते हो। तो आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लीजिए, मैं दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गाइस, लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।